एमएस वर्ड की इस वीडियो में आज हम जानेंगे इमर्सिव ग्रुप के बारे में, जिसमें हमें दो ऑप्शन मिलता है, फोकस और इमर्सिव रीडर का। फोकस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके कंटेंट को एक रीडिंग मोड में ओपन कर देगा और आप यहाँ पर जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, अपने कंटेंट को बहुत आसानी से रीड कर सकते हो। बैक जाने के लिए कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा दीजिए तो आप बैक चले जाओगे। इमर्सिव रीडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक टैब आ जाता है इमर्सिव रीडर का और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन देखें, यहाँ पर कॉलम का आता है तो यहाँ पर देखिए वेरी नैरो, और अगर आप वेरी नैरो पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके कॉलम दिखाएगा, और अगर आप नैरो पे क्लिक करोगे तो थोड़ा और वाइड हो जाएगा। मॉडरेट पे क्लिक करोगे थोड़ा और वाइड हो जाएगा आपके पैराग्राफ, और अगर वाइड पे क्लिक करोगे तो ये कम्प्लीटली वाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो कॉलम है पैराग्राफ के, उनकी आप विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मॉडरेट पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। इसके बाद देखिए पेज कलर, तो यहाँ पर देखिए आप अपना पेज कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको पेज कलर ठीक लगे। ब्लैक चाहिए तो ब्लैक पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए लाइन फोकस, अभी नन है। वन लाइन पे क्लिक करोगे तो देखिए एक लाइन पे फोकस, और यहाँ पर दो एरो आते हैं। ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए ये ऊपर जाएगा, नीचे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए थ्री लाइन का भी ऑप्शन है तो तीन लाइन फोकस कर रहा है, यहाँ पर देखिए मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फाइव लाइन का भी एक ऑप्शन है, तो कितना बढ़िया ऑप्शन है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये ऑप्शन। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसको नन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट स्पेसिंग का भी एक ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि अभी हमारे पास जो पैराग्राफ है उनके टेक्स्ट के बीच में स्पेस नहीं है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए हमारे पैराग्राफ के जो टेक्स्ट है उनके बीच में कितना स्पेस आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्लेबल्स का। स्लेबल्स क्या करेगा, आपके वर्ड को ब्रेक कर देगा। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर विड डॉट ईओ प्रो, इसके बाद डॉट आ रहा है वीडियो। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड को ब्रेक कर सकते हो एक डॉट की मदद से। यहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए रीड अलाउड का एक ऑप्शन मिलता है। रीड अलाउड क्या करेगा, आपके कंटेंट को रीड करेगा। देखिए यहाँ पर प्ले एंड पोज का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं पोज पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये पोज हो गया। प्ले पे क्लिक करूँगा तो फिर से ये इसको रीड करेगा। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ का ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेगा, इस पर क्लिक करूँगा तो प्रीवियस पैराग्राफ को रीड करेगा। सेटिंग का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप रीडिंग की स्पीड को चेंज फास्ट एंड स्लो कर सकते हो। जैसे कि अभी मीडियम है तो यहाँ देखिए मैंने स्लो कर दिया, प्ले पे क्लिक करा तो देखिए कितना स्लो पढ़ रहेगा, ठीक है। और मैं इसको फास्ट कर दूंगा तो कितना फास्ट पढ़ेगा देखिए, अब देखिए तो मैं इसको मीडियम कर देता हूँ। और यहाँ पर वॉइस सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। वॉइस सिलेक्शन, जैसे कि अभी डेविड बोल रहा है, यहाँ पर जीरा का भी ऑप्शन है तो जीरा बोलेगी। अब देखिए प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन है मार्क, तो मार्क बोलेगा, प्ले करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने वॉइस ओवर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्पीड वगैरह रिड्यूस कर सकते हो। तो आई होप आपको इमर्सिव रीडर के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ में आया। बैक जाने के लिए क्लोज इमर्सिव रीडर पे क्लिक कर दीजिए, बैक चले जाओगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली इमर्सिव ग्रुप के बारे में बताया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।